सत श्री अकाल जी। अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों का अजीत खबरों के अज्ज इस बुलेटिन दे विच मैं कमलप्रीत सिंह स्वागत करता हाँ। तो आओ पहला एक चात अज दियां चोणवीं खबरों ते। राजपाल अगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाउण दा पेश कीता दावा, 16 मार्च नूं चुकणगे मुख्यमंत्री अहुदे दी सहुं। प्रकाश सिंह बादल ने मुख्यमंत्री दे अहुदे तों दित्ता अस्तीफा, सुखबीर सिंह बादल ने कहा जिम्मेवार विरोधी धिर वजों निभावांगे भूमिका। सुखपाल सिंह खैरा दी राहुल गांधी नूं नसीहत, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ना बनाया जावे मुख्यमंत्री। नक्सली हमले च गुरदासपुर वासी CRPF जवान जगजीत सिंह शहीद। अते लुधियाना च GRP पुलिस ने 3 किलो चरस समेत नशा तस्कर नूं कीता काबू। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्थार। राजपाल VP सिंह बदनौर दे सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाउण दा दावा पेश कीता है। 16 मार्च नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री अहुदे दी सहुं चुकणगे। इस तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ विच पंजाब कांग्रेस भवन विच विधायक दल की बैठक रखी सी, जिस विच उन्हां नूं विधायक दल का आगू चुनिया गया। मीडिया के नाल गलबात करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने नशे नूं खत्म करने लई रणनीति तैयार कर ली है ते बेरोजगारी खत्म करने लई सूबे विच उद्योग नूं लियांदा जावेगा। पंजाब कांग्रेस दे एक मुख चोण वादे किसानों का कर्जा माफ करन संबंधी पूछे जाते कैप्टन ने कहा कि वह इस दिशा च काम करन वास्ते पूरी तरह वचनबद्ध हन अते सुनिश्चित करनगे कि इस लई उचित फंड पैदा किया जाए। SYL दे मुद्दे ते बोलदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब पहला ही पानी की कमी नाल जूझ रहा है ते पंजाब विच पानी की कमी पूरी करन दी पहल की जाएगी। There will be a global tender for the telephones and we will do it. There is no problem in that. We are already on the job. The other thing is, jithe tai one per job per family, we will start the process of. Aur ode naal hi assi industrial policy bari liberalize karange and very saake industry is attracted to us. Aaj industry ja rahi hai chori Chhattisgarh, Rajasthan, Odisha wagaira. We will make a policy better than this. अच्छा, पंजाबियों के विच हिम्मत कम करने की बड़ी है। सो वो कॉम्बीनेशन जब हो जाएगा यू विल सी। कर्जा मुक्ति ऑलरेडी, लेट मी टेल यू, पिछले महीने लोगों को पता लग जाता है कि कांग्रेस जित रही है। मैनू नहीं पता सी पर लोगों को पता सी। एंड आई हैव हैड कॉन्टैक्ट विद नंबर ऑफ इंडस्ट्री टॉप क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया के जेडे अपने आप मैं टेलीफोन कर रहे हैं और सब तैयार बैठे ने कि तुसी आज असी आवांगे। अकाली दल के सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल ने मुख्यमंत्री अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। बादल ने अपना अस्तीफा पंजाब के राजपाल VP सिंह बदनौर नूं सौंपिया। इस तो पहला अकाली दल वालों प्रकाश सिंह बादल की अगवाई विच सीनियर लीडरशिप नाल चंडीगढ़ विखे बैठक की गई। बैठक विच डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, तोता सिंह, NK शर्मा, सोन सिंह ठंडल, मदन मोहन मित्तल, सुरजीत कुमार जयानी, गुलजार सिंह रणीके मौजूद रहे। बैठक तो बाद बादल पंजाब दे राजभवन वल रवाना होए अते अपना अस्तीफा राजपाल नूं सौंप दिता। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल पंजाब दे हक दे लई लड़दा रहा है ते लड़दा रहेगा। इस समय सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब दी जनता ने जो फैसला किया है असी उस फैसले दा स्वागत करदे हां अते एक जिम्मेवार विरोधी धिर दी भूमिका निभाते हुए पंजाब दे पक्ष विच लए गए हर फैसले दा समर्थन करांगे। अकाली सरकार ने जिन्ना विकास सूबे विच कीता है इस तो पहला कदे नहीं होया। उन्हें कहा कि कमी कित्थे रही इस गल दी समीक्षा की जाएगी। पंजाब दी जनता ने जो फैसला वी विल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर जहां और हम गवर्नमेंट के पूरा वोट करेंगे। कैप्टन साहब को और उनके पार्टी को बधाई देता हूं, उनकी जीत हुई है। ये इलेक्टोरल प्रोसेस है, जीत भी होती है, हार भी होती है। सो हम अपनी जो अभी पार्टी हमारी जो पार्टी है वो अब मीटिंग करेगी, ये एनालाइज करेंगे कि क्या कारण रहे कि जो हमने काम किए थे, जितने काम हमने किए थे, जितनी डेवलपमेंट आप बच्चा बच्चा पंजाब का जानता जो डेवलपमेंट हुई है उतनी डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई। फिर भी जो कमी रह गई है या कोई गलत प्रोपेगेंडा हमारे साथ हुआ या वो सब की एनालिसिस हम करके वी विल टेक करेक्टिव मेजर।
देखो मैं किसी की मिशन की है कि नहीं है ये उनका तो सवाल है। देखो भैया जो शुरू से ही हमारी जाति दुश्मनी नहीं है कि उन्होंने पंजाब के भाई सिर थले कर आम आदमी पार्टी के भुलत्त चुने गए विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने अज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नू जित दी वधाई देने दे नाल ही राहुल गांधी नू कैप्टन अमरिंदर सिंह नू पंजाब दा मुख्यमंत्री ना बनाउण दी नसीहत भी दित्ती। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अते उन्हां दे परिवार ते भ्रष्टाचार दे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हन ते अजिहा व्यक्ति कदे भी पंजाब विच्चों भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता। उन्हां आम आदमी पार्टी दे वर्करां नू दिलासा देंदे हुए कहा कि सानू भविख लई तैयार होना चाहिए है। एक तो आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों का दिता हुआ फतवा उसका सत्कार करती है। सानू उम्मीद बहुत सी लेकिन जीती कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस को भी इस गल की असं बधाई दें। लेकिन यह कह के मैं कहना चाहना कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड को कि राहुल गांधी खास तौर पर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। वह कारण है क्योंकि उन्होंने उत्ते भ्रिष्टाचार के बहुत इंपोर्टेंट केसिस चल रहे हैं। इन हालातों में कांग्रेस जी कहती कि असं करप्शन रूट आउट करा पंजाब चो कि करे कांग्रेस को अच्छे लीडर्स होर भी हैं। कांग्रेस को मनप्रीत सिंह बादल है, कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू है, कुलजीत सिंह नागरा है, राजा वड़िंग है, ब्रह्म मोहिंद्रा है, बहुत सारे तजर्बेकार लीडर्स ने। क्यों नहीं उन्होंने किसी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे पंजाब का? कि जरूरी है कि जहाँ आदमियों के भ्रिष्टाचार के इल्जाम लगे उही चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के? अगर तुम एक करप्ट आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाओगे तो फिर वो करप्शन कितना कंट्रोल करेगा? वो नाले आले दुआले सब लोग पंजाब उही करेंगे जो अकाली इतने पंजाब करते रहे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलियों वालों किए हमले में शहीद हुए CRPF के 12 जवानों में गुरदासपुर के पिंड कोटला सर्फ वासी जगजीत सिंह भी शामिल है। जगजीत सिंह की शहादत तो बाद इलाके में सोग की लहर है। जगजीत सिंह CRPF की 219 बटालीयन में इंस्पैक्टर के अहदे उत्ते तैनात सी। शहीद की माता नरिंदर कौर का कहना है कि उसका बेटा देश लिए शहीद होया है जिस उत्ते उसनू माण है। शहीद जगजीत सिंह अपने पिछे पत्नी ते दो बेटे छड़ गए हैं। मेरी सिस्टर ने फेसबुक पर वो भाई हड़े भी तो रिटायर है महकमे चो टू आई सी रिटायर है उन्होंने फेसबुक पर वेख्या खबर वेखी फिर उन्होंने मैंने दस भी गोली लगी जा जख्मी होया एक साडा एक इंस्पैक्टर साडा भरा एक हो रहा उ मामे का बेटा वा वह भी नाल ही मैं उन्होंने कॉल की उन्हें भी सही दिता जख्मी है कोई गल नहीं बाद चौली हौली फोन करते यार पता लगा भी डैथ हो गई बड़ा भरा शहीद हो गया। लुधियाना GRP पुलिस ने स्टेशन ते चैकिंग दौरान एक शख्स नू 3 किलो चरस दे नाल काबू किया है। पुलिस मुताबिक राजस्थान वासी नानक राम उत्तर प्रदेश दे मेरठ तो चरस लैके लुधियाना आया सी। बरामद की गई चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार विच कीमत लगभग 3 लाख रुपये दसी जा रही है। पुलिस दोषी तो पूछगिछ दौरान यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस धंधे विच उस दे नाल होर कौन लोग जुड़े हुए हैं ते नशे की तस्करी कित्थे कित्थे की जाती है। मामला जी मानयोग ADGP साहब रेलवे आई साहब रेलवे AI साहब रेलवे की हदायतों मुताबिक जी नशे के खिलाफ जी चलाई मुहिम के तहत ASI जीवन सिंह ASI सुखदेव सिंह की टीम जी है RSM दफ्तर के बाहर सर्कुलेटरी एरिया चैकिंग कर रही थी जो इन्होंने एक व्यक्ति नानक राम सानू शो करन पिंड देवगढ़ PS तारागढ़ राजस्थान नू गिरफ्तार किया जिदे को 3 किलो चरस बरामद हुई है जिदे खिलाफ मुकदमा नंबर 46 मिति 11/3/15 अंडर सैक्शन 20-85 NDPS दर्ज करके इन अच्छ पेश अदालत किया जा रहा तो पेश अदालत करके रिमांड हासिल किया जाएगा पता किया जाएगा कि कितों लैके आया तो इन्हें कितने ये सप्लाई करनी। समाजवादी पार्टी के सबका मुखी ने सपा नू उत्तर प्रदेश विधानसभा चोणों में मिली हार ते चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हार लई साफ तौर पर सपा के कौमी प्रधान अखिलेश यादव नू जिम्मेवार ठहराया अते नाल ही कांग्रेस नाल गठजोड़ के फैसले नू भी गलत दस्या है। उन्होंने कहा कि जेकर कांग्रेस नाल समाजवादी पार्टी गठजोड़ ना करती तो शायद साडी सरकार होंदी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई पसंद नहीं करता तो गठजोड़ की कोई जरूरत नहीं सी, सपा अपने दम से चोण जीत सकती सी। पहले आ चुकी और सरकार ने सरकार बना दी, पहले इससे भी कम सीटें थी, 17-18 थी और सब मिला के फिर 23 हो गई, अब चुनाव हुआ तब सरकार बना दी। लेकिन इस बार जब भी चुनाव होगा सरकार बना लेंगे। लेकिन इस बार की हार को किसके किसको जिम्मेदार? क्या हार, कोई जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जनता को नहीं प्रभावित कर पाए तो हमारी पार्टी के सभी लोग हैं, ये कोई जिम्मेदार थोड़े हैं। फतेहगढ़ साहिब दे पिंड कोटला बजवाड़ा नज़दीक सड़क हादसे विच महिला सब इंस्पैक्टर ते उसकी बेटी दी मौत होने का समाचार प्राप्त होया है। मिली जानकारी अनुसार सांझ केंद्र बसी पठाना विखे तैनात सब इंस्पैक्टर कुलवंत कौर अपनी बेटी जसमीत कौर दे नाल अपनी स्कूटी ते डेरा हंसाली साहब विखे मत्था टेकन जा रही सन। कोटला बजवाड़ा नज़दीक पहुंचन ते सामने तो तेज़ रफ्तार नाल आ रही एक वरना कार नाल उस दी टक्कर हो गई। टक्कर इन्नी जोरदार सी कि स्कूटी दे परखच्चे उड़ गए। हादसे तो बाद कार ड्राइवर मौके तो फरार हो गया। मामले संबंधी पुलिस वालों कार्रवाई की जा रही है। मानसा दे बरेटा च ट्रक यूनियन दी प्रधानगी नूं लैके दो गुटां विचाले चली गोली विच दो लोकां दे मौत होण दी खबर है अते कई जख्मी हन। मृतकां दी पछाण रवि कुमार अते सुखा वजो होई है। मिली जानकारी अनुसार बरेटा ट्रक यूनियन दी प्रधानगी नूं लैके दो गुटां विचाले काफ़ी समय तो खिचोतान चल रही सी। अज सवेरे जदों ट्रक यूनियन दा मौजूदा प्रधान अपने समर्थकां नाल यूनियन दे दफ्तर विच सी तां दूजे धड़े दे लोकां ने पहुँच के गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां, जिस कारण दो नौजवानां दी मौके उत्ते ही मौत हो गई। दूजे पासे पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और दोषियों की गिरफ्तारी लिए छापेमारी शुरू कर दी है। रादौर के मुख बाजार स्थित भगवती ज्वैलर्स विच बेहद शातिर ढंग 14 तोले सोना चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना बीती 2 मार्च की है पर दुकानदार नूं चोरी का पता अज लग्या है। असल विच दुकान मालक ने अपने गाहकां नूं अज गहनियां की डिलीवरी करनी सी पर जदों दुकान मालक ने देखा कि दुकान विच गहने नहीं हन तां उसने इस दी शिकायत पुलिस नूं दित्ती। सीसीटीवी तस्वीरां विच चोरी दी घटना रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके सीसीटीवी तस्वीरां दे आधार ते जांच शुरू कर दित्ती है। आज ही कंप्लेंट आई है, भगवती ज्वेलर की दुकान है मेन बाजार में, वीरेंद्र कुमार उसका मालिक है। उसकी शिकायत है कि 2 मार्च को मेरे पिताजी दुकान पे अकेले थे, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। एक कैब ओढ़ के एक व्यक्ति आया जिसने सोने का कुछ सामान दिखाने को कहा तो इसके पिताजी ने उसको एक चन्नों का डब्बा उसके आगे रख दिया। 19 चन्नों में के डिब्बे में से 12 चन्ने और 12 टॉप्स अपने उसमें पर्स में डालकर चुरा कर लेगा। इससे पहले भी मामला था, वो भी मामला दर्ज है, एफ आई आर दर्ज है, उसकी भी छानबीन की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज उसको चेक करने पर उसका चेहरा भी साफ नहीं आ रहा, आसपास के और सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे चलाकर और इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी इस गिरोह का पता लगाने के असंभव प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दे शिमला समेत उच्च इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के कारण लोगों के आम जन जीवन उत्ते भारी असर पै रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। कांगड़ा सिरमौर अते धौलाधार रेंज में पिछले 2-3 दिन तो बर्फबारी हो रही है। बर्फीले तूफान ध्यान में देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुचेत रहने लिए आख्या है। तो मिली जानकारी अनुसार शिमला कुल्लू अते होर इलाकों में बर्फबारी के कारण कई सड़क बंद हो गई हैं। तो इस नाल ही अजीत खबरों का अज का बुलेटिन इतें ही खत्म होता है। कल तुहाड़ी खिदमत विच ताज़ा तरीन खबरों का एक होर बुलेटिन लैके फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई वेखते रहो अजीत वैब टीवी।